हसबिल मिनिशत जी बिसम हमारे इस्लाम स्टूडेंट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का टॉपिक 3 द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मोस्ट प्रोबेबली कम्स इन योर CP2। बोहर एंड रदरफोर्ड वर्कड आउट अ थ्योरेटिकल मॉडल फॉर द एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन लेयर्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब बोहर और रदरफोर्ड दोनों केमिस्ट हैं और वो क्या कर रहे हैं कि मॉडल तैयार कर रहे हैं एटम का कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद होती है और इलेक्ट्रॉन्स किस शक्ल में एटम में मौजूद होते हैं, उनकी लेयर्स होती हैं, शेल्स में होते हैं, उनकी अरेंजमेंट्स क्या होती है, कितने न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो आपको मिलेगा एट द बॉटम और एटॉमिक मास आपको मिलेगा एट द टॉप। और बताती चलूँ कि एटॉमिक नंबर किससे मिलकर बनता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम के अंदर, यानी एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कहाँ मौजूद हैं, और उसकी मौजूदगी आपको मैंने बताई थी कि वो शेल में होते हैं, ये जो रिंग्स बने हुए इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको गिनने पर हमें एटॉमिक नंबर मिलता है। और एटॉमिक मास किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से, यानी कितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और वो कहाँ मौजूद है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर आपको ये समझ आ जाती है ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करें इसकी इक्वेशन है तो मास नंबर निकल आएगा, और जब आप इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे शेल्स के अंदर जो रिंग्स हैं उसमें जितने रखे हुए हैं वो उनको गिन लें तो आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा। बच्चे हमेशा इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन देंगे एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि सेंटर में बैठे हुए हैं वो देंगे आपको मास नंबर। चलते हैं आगे अरेंजमेंट की तरफ। आपको जैसे कि पता है कि बोहर और रदरफोर्ड ने दोनों अपना बोहर का जो है रदरफोर्ड ने गलत थ्योरी करार दे दी थी, उसने कहा था जो तुम कह रहे हो ना वो ठीक नहीं है, जो मैं बता रहा वो ठीक है, और इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग। अब यहां पर उन्होंने जो लेयर्स बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट उनकी एक लेयर्स में होती है, ठीक है, और होती कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहरी साइड पर चारों तरफ अराउंड द न्यूक्लियस होती है, वो लेयर की शक्ल में होते हैं ईच लेयर और शेल। अब वो लेयर रिंग या शेल आप उसको एनर्जी लेवल भी बुला सकते हो, ये चार नाम है इसके जो कि रिंग बाहर चल रहा है, ठीक है, इसका नाम है एनर्जी लेवल, इसको आप शेल बुला सकते हो, इसको आप जो है एनर्जी लेवल बुला सकते हो और इसको आप लेयर भी बुला सकते हो, ठीक है। अब इन्हीं लेयर्स रिंग शेल या एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अल्लाह ने पिरोए में बीड्स की तरह, ठीक है, और हर चक्कर हर रिंग एक ख़ास तादाद में इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है जो तो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है ये पहला रिंग है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है और ज़रा छोटे साइज़ का होता है, इसलिए अल्लाह ने इसकी जो क्वांटिटी रखी है इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर वो सिर्फ 2 है। सो इट कैन होल्ड अप टू 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। द फर्स्ट शेल कॉल्ड द के शेल, और इसको हम क्या बुलाएंगे, के शेल विच इज़ really near to the nucleus can hold a maximum of 2 electrons। तो आज आपने सीखा कि जो न्यूक्लियस के पास पहला रिंग बनता है दैट इज कॉल्ड के शेल, हम उसको के शेल के नाम से बुलाते हैं और उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं आप। द सेकेंड शेल कॉल्ड द एल शेल, अब इसके बाद जो भी शेल आएगा जाहिर बात है वो सेकेंड ही कहलाएगा ना, और आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको क्या बुलाओगे, के बाद ABC में क्या आता है एल, तो हम उसको बुलाएंगे एल, और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रख सकता है, कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड द थर्ड शेल कॉल्ड द एम, अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए KLM तीसरा शेल कहलाया एम, एंड नाउ अगेन दिस शेल कैन ऑल्सो होल्ड अप्स टू 8 to 18, ठीक है, लेकिन आप उसको 8 रहने दें तो इट कैन बी स्टेबल, ठीक है, 8 के साथ वो अच्छा काम करता है तीसरा शेल जो है, बट इट कैन होल्ड 18। लाइक अगर हमारे पास कोई एलिमेंट आ जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मोर देन 13, 14 या 20 है तो फिर हमें थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह मिल जाती है, ठीक है, आप रख सकते हो, नहीं तो फोर्थ शेल आप ड्रॉ करना अगर आपके मोर देन 18 हो जाते हैं इन द थर्ड शेल। तो ये बड़े मज़े का काम है, जब आप इसको सीख लोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये ऐसे ही है कि आपको कुछ धागे दिए जा रहे हैं और हर धागे का एक साइज़ है और आपको बता दिया गया है कि इस छोटे वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8 से 18 और फिर आगे 32 32 का हिसाब चलता है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने 3 शेल्स सीखे KLM, तो अब क्योंकि आपका लेवल वो है ग्रेड वो है तो आप अब इन्हीं 3 शेल्स के साथ स्टिक ऑन करें, इन्हीं को याद रखें, अदरवाइज एक और शेल होता है विच इज़ कॉल्ड N शेल। अब बारी आती है कि अगर आपके पास लाइक हीलियम या आपको मैं बताऊँ नियॉन एक एलिमेंट है, ठीक है, और उसके आपको मैंने दे दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेटा पकड़ो
इसका जो एटॉमिक नंबर है ना, लाइक इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है, ठीक है। और नाउ स्टार्ट इसको इसके अंदर ऐड करना शुरू करो, इन शेल्स के अंदर डालना शुरू करो। तो वेयर शुड यू स्टार्ट टू एडिंग अप दैट इलेक्ट्रॉन्स? फ्रॉम द फर्स्ट शेल विच इज़ कॉल्ड के। तो आपने के शेल से जो न्यूक्लियस के नज़दीक है वहाँ से इलेक्ट्रॉन डालने शुरू करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, बाहरी शेल से स्टार्ट करते हैं, अंदर की तरफ लाते हैं। तो ये गलत तरीका है। जब आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट शेल विच इज़ कॉल्ड के। तो पहले रिंग जो न्यूक्लियस के पास है वहाँ से दो डालना शुरू करो, क्योंकि वो दो ही होल्ड कर सकता है। लाइक अगर आपको मैंने 10 दे दिए ना, तो 10 में से दो तो चले गए पहले में, पीछे रह गए 8। अब आपने सेकेंड शेल बनाना है और आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड शेल कितने होल्ड कर सकता है, 8। तो आप कंप्लीट 8 इसमें डाल दो। अगेन एक और चीज़, अरेंजमेंट। आपने बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बनाना है जो कि आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। यानी आपने रैंडम डालने की कोशिश नहीं करनी, वो भी प्यारे लगते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह अरेंज करना। तो इसकी अरेंजमेंट का बहुत ख्याल रखें, प्यारे तरीके से इनको अरेंज करें, दो दो पेयर बनाकर। क्योंकि अगर पेयर बना के अगर आपको डालना आएगा ना, तो आगे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी ना, जिनको हम अलग करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाते हैं सीनियर क्लासेस में जाके, या मे बी इस चैप्टर में भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे उसके आयंस के बारे में। और अगर नहीं भी पढ़ते तो बेटा ये पेयरिंग की शक्ल में आपने इनको रखना है, ठीक है ना। अलग अलग नहीं डालना प्रोना किसी भी रिंग के अंदर, क्योंकि ये आपको आगे जाके फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि जब भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन बच जाएगा या 3 इलेक्ट्रॉन ऑड शक्ल में बच जाएंगे किसी भी रिंग में, तो वो आगे गेन या लूज हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी और के इस्तेमाल में आ सकते हैं। तो इसलिए आप हर चीज़ को अच्छे से अरेंज करके रखें। जैसे आप घर में अपना फर्नीचर अरेंज करते हो, ऐसे एकदम से चीज़ें उल्टा पुलटा के नहीं रखते, हर चीज़ सोफे को सोफे की जगह, टेबल को टेबल की जगह, ताकि एक चीज़ खूबसूरत लगे देखने में। तो आपको भी जो पिक्चर नज़र आ रही है इसके अकॉर्डिंग दो दो का पेयर बनाकर सेकेंड शेल में डालना है, 8 को डालना है, ठीक है। तो अब आपके हो गए 10, यानी आपने नियॉन का एटम तैयार कर लिया बाय पुटिंग इन इलेक्ट्रॉन्स। This means all the electrons are as close to the nucleus as they can be. और इनको पहले शेल में डालने से, स्टार्ट करने से हमारा मकसद क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक रख सकें, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक रहेगी उसमें ज़्यादा पावर होगी, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। The table shows how the electrons are arranged for the first 18 एलिमेंट्स। वैसे तो हमारे पास नेचुरली आकर एलिमेंट्स की तादाद 92 है, और साइंटिस्ट ने जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बनाए हैं उनकी तादाद लाइक 22 है। तो आपको जो वो सिखा रहे हैं सिर्फ 18 एलिमेंट सिखा रहे हैं इस लेवल में, आपकी इस क्लास इस ग्रेड के अंदर। इनको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इस चार्ट में से नंबर वन काम जो है वो है आपका एलिमेंट का नेम और उसका सिम्बॉलिक साइन, क्योंकि वो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में एच लिखोगे, लाइक हाइड्रोजन एलिमेंट है और उसको शॉर्ट फॉर्म में एच लिखोगे। उसके बाद हम उसके अंदर आगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है सो वी गो विद द एटॉमिक नंबर ओनली, मास की बात नहीं करेंगे। तो आप हाइड्रोजन का याद रखो एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का याद रखो 2, और अरेंज कैसे हुआ हुआ है 1 2 3 4 5 6, आप देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक एक प्रॉपर काउंटिंग बनी हुई है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सिंबल्स को याद रखेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि आपने सीक्वेंस याद किया होगा। तो आप याद करेंगे एच एच ई ली बी बी सी एन ओ एफ एन ई एन ए एम जी ए एल, देन कम्स एस आई पी एस सी एल ए आर। अभी आपको अजीब लग रहा है लेकिन जब आप मेरी तरह राइमिंग करना शुरू करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और फिर काउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आखिरी आर्गन आ जाता है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर जो है वो 18 पर आकर रुकता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकोगे नेक्स्ट पेज में, 51 पेज होगा वो, तो उसमें आपको नजर आएंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स एक्चुअली वी हैव। तो आपको सिर्फ 18 याद करवाए जा रहे हैं, आपके लिए बेहतर ये है कि आप इनके सिंबल्स याद करें। तो अगर तरतीब से सिंबल याद किए होंगे तो एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली काउंटिंग में आ जाएंगे, यानी 1 2 18 आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई अ शेल इज इक्वल टू 2N2, वेयर N इज इक्वल द नंबर ऑफ द शेल। फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड शेल N इज इक्वल टू 2, सो
2n2 = 8। अभी क्या बात, वो आपको बता रहे हैं कि दो शेल आपको सिखाए गए हैं जो कि n1 और n2 के नाम से भी आप उनको बुला सकते हो। जैसे k शेल है, फर्स्ट शेल है, उसको आप n का नाम दे दो, ठीक है। ये आपको सीनियर लेवल पर आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे। उसमें होता है n2 और फिर आगे n3 n4। फर्स्ट शेल यानी के शेल को आप n बुलाओगे और वो कितने होल्ड करेगा अपने अंदर 2। सेकंड शेल को आप 2n2 बुलाओगे जो कितने अपने अंदर होल्ड करेगा 8। तो इतने कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये KLMN को आप सिर्फ n कर बुला रहे हो, ठीक है। तो बस अब याद रखने की जो चीज़ है वो ये है कि n अकेला इज़ इक्वल टू k एंड इट कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन इन इट। यानी वो सिर्फ n जो है वो एक k शेल के बराबर है और उसका नाम हमने n रखा है अकेला n, और वो 2 होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन अपने अंदर। फिर दूसरा शेल जो है वो है हमारे पास l, और उसको हमने क्या नाम दिया है, 2n2 या 2n2, और वो अपने अंदर 8 रख सकता है। तो इस लेवल तक आप सिर्फ यही याद करें। चलिए अब कर लेते हैं टेस्ट योर सेल्फ। दोनों टेस्ट योर सेल्फ 1 और 2 दोनों में अपलोड करने लगी हूँ, तो आप वहाँ से देखकर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो आपके वैसे ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपलोड कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर, जो बच्चों को जो टीचर स्कूल में करवाएंगी, सो फॉलो योर टीचर। क्वेश्चन 1 का आंसर है चेंजेस या चार्जेस ऑफ सब पार्टिकल। क्वेश्चन 1 का आंसर है टेस्ट योर सेल्फ 1 में से चार्जेस ऑफ सब पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर रिस्पेक्टिवली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन का है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज ज़ीरो, न्यूट्रल और ज़ीरो कह सकते हो, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर, अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थर्ड इज द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन लेयर्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड भी लिख सकते हैं। फोर्थ है बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस क्रिएटिंग अ क्लाउड विच ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन न्यूक्लियस। फाइव का आप दो आंसर्स लिख सकते हैं। Using letters as a symbol is the easiest way to represent the elements. That's why scientists use the shorthand writing, ठीक है, और why they use symbols, ठीक है, और या आप कह सकते हैं to allow us to write chemical formulas easily. तो आप इन दोनों में से जौन सा मर्जी आंसर चूज कर लें। क्वेश्चन 6 जो है वो एक वर्किंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और गिवन डाटे में आपके पास मास नंबर रखा हुआ है और न्यूट्रॉन नंबर रखा हुआ है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह वर्किंग करनी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 10। प्रोटॉन आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं, यू हैव टू माइनस मास नंबर फ्रॉम सॉरी न्यूट्रॉन फ्रॉम मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर लिख कर माइनस न्यूट्रॉन कर लेंगे, दोनों नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। मास नंबर है 20 आपके पास गिवन, और न्यूट्रॉन है 10। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपने इस तरह वर्किंग करके लिखना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने सेम प्रोसीजर करना है, बट इन द गिवन यू गॉट प्रोटॉन और मास नंबर आपको मिला हुआ है। मास नंबर है 30 और प्रोटॉन्स हैं 15, तो आपने मास से प्रोटॉन को माइनस करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा, क्योंकि यही उन्होंने आपको फाइंड आउट करने को कहा। तो बहुत ईजी है, आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ 2 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने गोल्ड के बारे में पूछा था कि आप बताएं कि वट इज़ इन द गोल्ड एटम, वॉट इज़ बेसिकली इनसाइड द गोल्ड एटम। तो गोल्ड एटम को हम शो करवाते हैं AU के साथ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है AU पे मैंने अटोमिक नंबर और मास दोनों लिखे हुए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है कि आपको गिवन डाटम में मास नंबर और अटोमिक नंबर दिया होगा, यू सिंपली -197 - 79 यू गॉट प्रोटॉन नंबर, ठीक है। तो जैसे प्रोटॉन नंबर मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और उसमें से आप जब माइनस करते हो तो 118 आपके पास जो बचेगा ना 79 को माइनस करने के बाद अटोमिक नंबर को मास से निकालने के बाद, तो 118 आएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो वो तो दोनों 79 हो गए, और जितने बचे पीछे 197 से वो हैं 118 एंड दीज वर न्यूट्रॉन्स। अब इस स्ट्रक्चर बनाने को उन्होंने हमें कहा था, और ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है O, और इसका आपने मास लिख दिया है 16, ठीक है। उसमें से हमने बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली एटॉमिक नंबर को हमें शो करना है जो कि 8 होते हैं, और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर कहते हैं इलेक्ट्रॉन को हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस शेल के अंदर। तो हमने उनको अरेंज कर देना है, जैसे कि इनर शेल 2 होल्ड कर सकता है तो हमने उसमें 2 बना दिए हैं, और जो आउटर शेल है वो
बकाया 6 अपने अंदर रख लेगा। वैसे तो वो 8 रख सकता है, बट हमारे पास क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमें अरेंज करना है, तो हम सिंपली इस अंदाज से उसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने शेल्स के हिसाब से डाल देना। आप ये भी लिख सकते हैं कि इनर शेल को आप के शेल बुला लें और इससे आउटर वाले शेल को आप एल शेल लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उन्होंने कहा है कि ऑल कार्बन एटम्स जो हैं ना उनके एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, बट सम हैव मास नंबर 12, उनके मैसेस थोड़े अलग होते हैं, तो आप इसी चीज़ को बताएं। और कुछ के मैसेस 14 होते हैं, तो आप ये बताएं कि क्या इनमें सेम है और क्या डिफरेंस है। तो हम स्ट्रक्चर के बारे में उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटीज़ में आप लिख दीजिएगा कि बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर यानी 6, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में बताया, और प्रोटॉन नंबर 6, अगेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, तो ये सब सेम जा रहा है। और इधर डिफरेंस क्या है कि बोथ हैव डिफरेंट मास नंबर 12, 14, वैसे तो 13 भी होता है लेकिन हम 12 और 14 तक बताते हैं। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैव आर डिफरेंट हैं, यानी C12 के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं और C14 के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप ये दो डिफरेंसेस लिख दें, इसके काफ़ी इनाफ है क्योंकि आपकी वही लेवल है। अभी आपको उन्होंने इसमें कुछ पढ़ाया नहीं है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन कर दिया है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह आंसर दे दीजिएगा।